आखिर इतनी मंटोयत सीखी कहाँ तुमने? नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइफ। सादत अली हसन मंटो एक जाने माने उर्दू के लेखक, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कहानियां लिखी, किताबें लिखी, बल्कि उनके साथ हमेशा एक शब्द जुड़ा रहा, वो है फहश कहानियों को लिखने का। क्या जमाना उनकी कहानियों को उस वक्त समझ नहीं पाया, या वो अपने जमाने से काफी आगे लिखा करते हैं? इस सारी चर्चा को लेकर, इन सारी बातचीत को लेकर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीद खान, मुंबई से। फरीद खान लेखक हैं और वो आज बात करेंगे हम लोगों से कि किस तरह से मंटो को हम लोग समझ नहीं पाए, या मंटो हम लोगों को नहीं समझ पाए, और शायद इसलिए आज भी यकीनन अगर मंटो होते तो उन्हें समाज पागल ही कहता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मंटो ने शायद जमाने को नहीं समझा, या जमाने ने शायद मंटो को नहीं समझा, ये समझ की ना समझी कहाँ पर आए कि मंटो को लोग पागल ही कहने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। अब चूंकि पागलपन से बात शुरू किया आपने, तो मैं शुरू करता हूँ उनकी कहानी टोबा टेक सिंह के संदर्भ में बात करना। उन्होंने टोबा टेक सिंह जो कहानी लिखी है, अगर बहुत सारे दर्शक जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये उनके लिए ये बात है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा कि टोबा टेक सिंह दरअसल एक पागल की कहानी है। मतलब एक पागल खाने की कहानी है। और हैरत होगी, आज हैरत होती है ये सब देख कर कि उस जमाने में 1947 में जब बंटवारा हो रहा था, हिंदू उस तरफ से आ रहे थे, मुसलमान इस तरफ से जा रहे थे। उस दौरान भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकारों में पागलों के बंटवारे पर भी बात हुई थी। मतलब हैरत अंगेज बात है कि हिंदू पागल और मुस्लिम पागल करके इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा था, और मंटो ने उस पर एक भयावह कहानी लिखी है तोबा टेक सिंह। अब ध्यान देने की बात है कि मंटो 1948 के जनवरी में जाते हैं पाकिस्तान, और उसी महीने में 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होती है। एक दूसरा पागल उस जमाने में, ऐसा मंटो ने उस कहानी के माध्यम से ये कहने की कोशिश की है कि जो लोग बंटवारा नहीं चाहते थे, जो लोग प्रेम चाहते थे, जो लोग देशभक्ति चाहते थे, जो लोग देश तोड़ना नहीं चाहते थे, वो सब के सब पागल थे। ऐसे लोगों की नजर में जो बंटवारा चाहते थे। हैरत की बात है कि बंटवारा उस वक्त मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा तो चाहते ही थे, लेकिन उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। बिना उनके दस्तखत के बंटवारा हुआ नहीं। गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। गांधी जी ने हैरतअंगेज तरीके से, आपको जानना चाहिए कि 1946 में ही, वो गूगल पर आप चेक कर लीजिए, कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और हैरत की बात है कि कांग्रेसी नेताओं ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। मतलब गांधी भी एक पागल थे, जिन्होंने कहा था कि मैं बंटवारा मेरी लाश पर होगा। और आपको यही चीज देखने को मिलती है बहुत आगे चलकर। एक नॉवेल भीष्म साहनी लिखते हैं, तमस। तमस में एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, जिसका नाम है जरनैल सिंह। और जरनैल सिंह को जब पता चलता है कि बंटवारा होने वाला है, तो वो पागल हो जाता है। वो पागल जैसा ही, उसका कैरेक्टराइजेशन ही पागल जैसा किया। और वो कहता है कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और कोई दंगाई आकर उसको लाठी मारता है और वो वहीं मारा जाता है। और तो एक पागल गांधी जी, जो देश के टूटने के बाद भी चाहते थे, कोशिश कर रहे थे कि देश न टूटे, इसके लिए वो एक बार नोआखाली गए। वहां जो विस्थापित हिंदू थे उनको वापस
लेकर नोआखाली गए, वो जहां मुस्लिम दंगाइयों ने उनको मारा था, और वो कलकत्ता आ गए थे, वो हिंदू शरणार्थी, उनको लेकर गांधी जी नोआखाली गए और नोआखाली में आज तक दंगा फिर नहीं हुआ, और वो लोग जिनको गांधी जी लेकर गए थे आज भी सकुशल रह रहे हैं। ये प्रयोग वो दिल्ली आकर वापस लाहौर और पाकिस्तान की तरफ जाकर करना चाहते थे, यहाँ से सारे हिंदुओं को ले जाकर और वहां जो मुसलमान गए हिंदुस्तान से उनको वापस लाकर। अब ये पागलपन है, ये हालांकि बंटवारा पागलपन था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से बंटवारा ही नॉर्मल था। जैसे आज के हिसाब से बहुत चीजें न्यू नॉर्मल हो चुकी हैं, उस तरह उस वक्त बंटवारा एक नॉर्मल, लोग उसी को नॉर्मल मान रहे थे और देश को वापस जोड़ने की कोशिश को ही पागलपन समझ रहे थे। जैसे आज देशभक्ति को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया, जो कहा जाए एक्सट्रीम लेवल की जो देशभक्ति है, जो किसी की हत्या भी कर सकती है, वैसे उस वक्त जी वो राष्ट्रवाद बिल्कुल। तो अब एक पागल, जो पागल है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तो डॉक्टर की जरूरत है, उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान की जरूरत नहीं है। अब जो लोग ये कहते हैं कि 70 साल में ये हुआ, 70 साल में वो हुआ, वो खुद 70 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अहमदाबाद में इस वक्त कोरोना के एक हॉस्पिटल में हिंदू कोरोना पेशेंट के लिए अलग वार्ड बनाया गया है और मुसलमान कोरोना पेशेंट के लिए अलग वार्ड बनाया गया। कोरोना पेशेंट पेशेंट है, उसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, हिंदू वार्ड और मुस्लिम वार्ड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जबकि आजादी के वक्त भी ऐसा होता था, 70 साल पहले ये सब होता था जो आज वहां अहमदाबाद के हॉस्पिटल में दिखा। 70 साल पहले रेलवे स्टेशन पर हिंदू पानी मुस्लिम पानी होता था, हिंदू चाय मुस्लिम चाय होता था। हम अभी मतलब ये टू नेशन थ्योरी का प्रयोग गुजरात में हम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता तो हमेशा से रही है। हाँ बिल्कुल। तो गांधी जी, तमस का जरनैल सिंह, खुद मंटो और मंटो का टोबा टेक सिंह, ये सब पागल थे जो बंटवारा नहीं चाहते थे। लेकिन अब देश की स्थितियां क्या थी, चूंकि मैंने 1948 का जिक्र इसीलिए किया, उस वक्त ऐसी ही स्थिति थी, या तो जो लोग चाहते हैं कि देश ना बटे उनको इस देश को छोड़ना पड़ेगा या उन्हें मार दिया जाएगा, तो मंटो ने छोड़ दिया और गांधी को मार दिया गया। यही है, मंटो इस समय की कहानी लिखता है, इसीलिए मंटो पागल है। और हैरत की बात है, मंटो पर 6 कहानियों पर 6 बार मुकदमा चला, अश्लीलता पर। अब लोग जिसको अश्लीलता कहते हैं, मंटो की नजर में वो नारीवाद है। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि इसमें नारीवाद कहां है। अब स्त्री की बात जब आप करेंगे तो बिना उसकी यौनिकता के आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आपको स्त्री की यौनिकता, क्योंकि उसी यौनिकता का सहारा लेकर उस पर दमन किया जाता, उसके जेंडर को लेकर, उसके सेक्स को लेकर उस पर दमन किया जाता है, इसीलिए उसकी बात तो करनी ही होगी। और मंटो ने वो बात उस जमाने में की जब हिंदी साहित्य हो चाहे उर्दू साहित्य हो, सारे लोग तथाकथित एक विक्टोरियन मोरालिटी के शिकंजे में कसे हुए थे, जिनके लिए औरत तो सर झुकाकर रहने वाले, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला नारी तेरी यही कहानी, इसी कॉन्सेप्ट की नारी को लोग पसंद करते थे। वो चाहे डिप्टी नजीर अहमद जो उर्दू के पहले उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यासों में देख लीजिए, या मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों में देख लीजिए, हर जगह। उस जमाने में मंटो ने इतनी खुलकर बात की कि वेश्याओं की बात भी की। और फिर अक्सर बात होती है ठंडा गोश्त की, हाँ,
ठंडा गोश्त दरअसल दंगे के दौरान जब दंगा होता है तो औरतों का दमन ही सबसे ज्यादा होता है, मर्दों का माल लूटता है और इज्जत लूटी जाती है औरतों की, जिस्म लूटा जाता है औरतों का, औरतों को कुचला जाता है, औरतों को मारा जाता है, औरतों पे कब्जा करके ही मर्दानगी साबित की जाती है। ठंडा गोश्त इसी की कहानी है कि वो आदमी एक मुर्दा एक दंगाई है जो एक जिस घर में लूटने के लिए गया है उसने एक मुर्दा औरत का बलात्कार किया, ये कहानी है। अब इस ये कहानी फहश कैसे हो सकती है और सेक्स की बात करना फहश या अश्लील कैसे हो सकती है, ये बात समझ के परे है। अब जैसे कि खोल दो पर भी मुकदमा चला। खोल दो एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है कि एक लड़की का बलात्कार इतनी बार हुआ है कि वो अपना कपड़ा खोल देने के लिए अभ्यस्त हो चुकी, वही उसका नॉर्मल है। ये वाकई वक्त के हिसाब से बहुत आगे बढ़ी हुई कहानी और दुस्साहसी कहानी मंटो ने लिखी थी। ये इस साहस की वजह से मंटो को पहले तो उन पर अश्लीलता का आरोप लगा, फिर उनको पागलखाने में भी पकड़कर डाल दिया गया ये कहकर कि वो तो पागल है। अब लेकिन जब कहा जाता है कि मंटो ने फहश लिखा और उनके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था, इसमत चुगताई के ऊपर भी वैसा ही फहशी का आरोप, हाँ, लिहाफ पे उसी वक्त लगा। ऐसा कहते हैं कि बंबई में जब मुकदमा चलता था तो दोनों एक साथ, तीन मुकदमा उनका आजादी के पहले चला हिंदुस्तान में, ब्रिटिश इंडिया में, और तीन मुकदमा चला पाकिस्तान में। जब हिंदुस्तान में मुकदमा चलता था तो एक ही साथ इसमें चुगताई पर भी चलता था, इसमें चुगताई ने लिहाफ लिखा था, तो वो दोनों साथ साथ जाते थे, साथ साथ बेल पर छूटते थे, साथ साथ मुकदमा होता था। ये सब दोनों इस मामले में काफी हम ख्याल रहे हैं और दोनों पाए के, दोनों अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे पाए के लोग थे। तो इसी तरह से उन्होंने, जी, और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत जो लिखा वो बड़े हिम्मत से लिखा, हिम्मत का काम है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी किया कि जो पढ़ने वाले हैं उनके अंदर भी पढ़ने की हिम्मत पैदा हो, वो हिम्मत पढ़ने वालों में, जो विक्टोरियन मोरालिटी में जकड़े हुए पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे कारीन हैं, उनके अंदर भी उसने हिम्मत दी और वो समझ की परंपरा को भी तोड़ा। ना सिर्फ कहानी लिखने की परंपरा को तोड़ा बल्कि कहानी पढ़ने की परंपरा को भी तोड़ा कि हम औरत को इसी तरह से पढ़ना चाहेंगे, औरत को हम इसी तरह से देखना चाहेंगे जैसे डेली सोप में हमारे होता है, औरत को हम इसी रूप में देखना चाहेंगे, हम मंटो की तरह नहीं देख सकते, वो असहज करता है, आज भी असहज करता है, वरना आज डेली सोप में इस तरह की औरतें देखी नहीं जाती जो कि दिखाई जा रही। हाँ, लेकिन क्या अभी के वक्त में जो जिस तरह से मंटो और इसमत चुगताई को झेलना पड़ा अपनी लेखनी की वजह से, क्या हाँ, अभी के वक्त में भी वो चीजें हो रही हैं या अब कुछ जमाना बदला है पहले से? अभी क्या है कि एक तो साहित्य लोग पढ़ते नहीं है, तो साहित्य में क्या लिखा जा रहा है बहुत ज्यादा किसी को फर्क पड़ता नहीं है, पहली बात तो ये है। साहित्य से कुछ हो नहीं रहा है, चाहे हिंदी साहित्य हो चाहे उर्दू साहित्य हो, वो एक जमाना था जब साहित्य पढ़ के समाज में हलचल मच जाती थी, अब नहीं होता। कुछ साल पहले तक भी हुआ है, उदय प्रकाश ने एक कहानी लिखी है और अंत में प्रार्थना, वहां तक
उस पर भी हंगामा हुआ काफी। दक्षिणपंथी जो विचार के लोग हैं उन लोगों ने काफी हंगामा किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि साहित्य पर, हाँ फिल्मों पर हंगामा हो जाता है क्योंकि फिल्म एक पॉपुलर माध्यम भी है और लोगों उसकी पहुंच लोगों तक बहुत ज्यादा है साहित्य की अपेक्षा। तो क्या साहित्य की ये एक तरह से गिरावट काफी ज्यादा हुई है और हाँ, क्योंकि हिम्मत नहीं बची है शायद? नहीं, साहित्य में काम हो रहा है लेकिन लोगों को साहित्य लोगों तक पहुंच नहीं रहा है या लोग साहित्य पढ़ना नहीं चाहते, दोनों ही बातें एक साथ हो रही है। साहित्य में तो बहुत लिखा जा रहा है पर वो कहाँ जा रहा है इसका कोई ट्रैक नहीं अभी मिल पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मंटो की एक कहानी है बू, और जैसे कि आप यौनिकता की आपने बात की, उन्होंने एक और कहानी लिखी है माय नेम इज राधा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसमें भी उन्होंने यौनिकता पे बात की है। तो मंटो और यौनिकता इसका क्या जोड़ रहा है जो हर कहानी में दिखा है? मंटो बंबई में जहाँ रहते थे वो कमाठीपुरा से काफी नजदीक था जो बंबई का रेड लाइट एरिया है, तो उन्होंने एक नई दुनिया, एक ऐसी औरतों की दुनिया देखी जो सेक्स वर्कर थी, मतलब यौनिकता से ही उनका संबंध था, उनका अस्तित्व था या उनका पेशा था, उनकी रोजी रोटी थी। इसलिए मंटो ने उस चीज को वहां समझा बेहतर, और पीयूष सिंह पूछ रहे हैं आजकल कहानियां प्रभावी क्यों नहीं रह गई हैं, इनके पीछे का मूल कारण, कहानी बहुत प्रभावी है पर ऐसा लग रहा है कि लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। मतलब आप कहानी पढ़ें, तो पहले आप कहानी पढ़ें, अच्छी कहानी पढ़ें, जाहिर सी बात है वो भी कहानी नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे, कहानियां बहुत लिखी जा रही हैं, कविता बहुत लिखी जा रही हैं, पर होता है ऐसा समाज में एक स्टैग्नेशन भी आता है, वो आया हुआ है शायद काफी दिनों से आया हुआ है, लोगों तक कहानियां पहुंच नहीं रही हैं जो लोगों को झकझोर दें, जैसा मंटो ने या इसमें चुखताई ने झकझोरा है। जी हेलो हेलो जी, तो बात वही बात हो रही थी कि आप बता रहे थे कि वो यौनिकता से उनका क्या संबंध रहा है, और हाँ तो जी तो इसी वजह से क्योंकि वो रेड लाइट एरिया में काफी दिन उन्होंने गुजारा है, उन औरतों को काफी नजदीक से देखा है, तो मतलब उन औरतों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मंटो ने उन औरतों को मर्द की नजर से देखा, मर्द की नजर का मतलब इन्वर्टेड कॉमा में मर्द की नजर से, कि औरत को सिर्फ भोग की वस्तु ही नहीं समझा, मंटो ने उन औरतों की तकलीफों को, उन औरतों ये भी कह सकते हैं कि उन औरतों के माध्यम से उन्होंने अपने घर की औरतों को भी समझा। एक बार किसी ने कहा था कि मंटो और इसमें चुपताई को निकाह कर लेना चाहिए, तो उनका बयान था कि अगर हम दोनों का निकाह हो जाए तो इसमें चुपताई जो निकाहनामे पे साइन करेगी वो उसकी आखिरी लिखनी होगी। ये बहुत बड़ा कमेंट है कि हाउसवाइफ जैसे ही होगी तो वो उसका दमन होगा, ये अपने आप में बहुत ही, मतलब उस जमाने में जिसको 70 साल कहते हैं वो 70 साल पहले ये सारी बातें कर रहा था, इसीलिए वो आदमी पागल करार दिया गया और पागल खाने भेजा गया। अब शुरुआती जिंदगी उसकी देखिए कि वो आदमी था कौन, सिर्फ तोबा टेक सिंह और सिर्फ अश्लील चीजें तो उसने लिखी नहीं, वो आदमी वो था कि पहले तो वो लाहौर में जहां वो लोग रहते थे तो कॉलेज में एक ड्रामा क्लब बनाया
तो उनके बाप इससे बहुत नाराज हुए। तो बाप के मरने के बाद, जब तक बाप जिंदा रहे उन्होंने छोड़ दिया, बाप के मरने के बाद उन्होंने बाप की तस्वीर, जो मतलब मरहूम बाप की तस्वीर के नीचे भगत सिंह की तस्वीर, भगत सिंह की मूर्ति रखी थी। भगत सिंह एक साल, ये 1932 का वाक्य है, और भगत सिंह 1931 में भगत सिंह की शहादत हो जाती है। तो वो भगत सिंह की मूर्ति रखते थे और अपने कमरे के दरवाजे पे लिखा था लाल कमरा। साफ जाहिर है भगत सिंह जो फांसी के ठीक पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, एक कम्युनिस्ट की जीवनी पढ़ रहे थे, उससे मंटो, उस भगत सिंह से मंटो भी प्रभावित रहे होंगे, इसीलिए कमरे पे लाल कमरा लिखा है। और मंटो ने उसके बाद जब वो AMU में आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और वहां उनकी मुलाकात अब्दुल बारी से हुई, तो उन्होंने विक्टर ह्यूगो जो फ्रेंच साहित्यकार हैं, विक्टर ह्यूगो का एक उपन्यास दिया जिसका अनुवाद किया। विक्टर ह्यूगो का उपन्यास है द लास्ट डेज ऑफ ए प्रिजनर। तो उसका उन्होंने सरगुजश्ते असीर, सरगुजश्त का मतलब होता है मेरे ऊपर जो गुजरी, यानी आत्मकथा, और असीर का मतलब कैदी। सरगुजश्ते असीर में उन्होंने मृत्युदंड के खिलाफ, मतलब विक्टर ह्यूगो ने ही मृत्युदंड के खिलाफ वो नॉवेल, वो रचना लिखी थी जिसका अनुवाद मंटो ने किया। तो मंटो के ऊपर विक्टर ह्यूगो का भी असर था, भगत सिंह का भी असर था, कम्युनिज्म का असर था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में वो तो थे ही, सारे सारी उनकी उनके दोस्त प्रोग्रेसिव ही थे, तरक्की पसंद थे, और सबसे अच्छे दोस्त थे उनके फिल्मी स्टार अशोक कुमार, और उन्होंने जालियांवाला बाग पर एक कहानी लिखी थी तमाशा के नाम से। तो मंटो भली भांति अपने अपने वक्त की राजनीति से वाकिफ थे शुरू से ही। जालियांवाला बाग जब हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 7 या 8 साल की थी, और उस पर जो उन्होंने कहानी लिखी तो उस वक्त उनकी उम्र 20 या 21 साल रही होगी। तो इस तरह से मंटो फिर ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली में नौकरी करते हैं, फिर वो भी छोड़ते हैं, फिर बंबई आते हैं, फिल्मों के लिए लिखते हैं, कई फिल्में वो देते हैं यहाँ पे, और इसमत चुगताई के जो शौहर थे शाहिद लतीफ, वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, तो उनके साथ भी उन्होंने काम किया। और फिर एक दिन जब आजादी के बाद दंगे शुरू होते हैं बंबई में, और उस वक्त इत्तफाक से उनके घर वाले, जो सफिया, जो उनकी बीवी का नाम है, वो और उनके बच्चे ऑलरेडी किसी फैमिली गैदरिंग में उस तरफ जा चुके थे जो अब पाकिस्तान कहलाता है। एक मिनट, ये जो दौर चल रहा है इसमें कम से कम लोगों ने कुछ पढ़ना तो शुरू किया होगा, ऐसे उम्मीद है, क्योंकि बिना पढ़े ही लोग बोल देते हैं। हाँ, पढ़ना तो शुरू किया है, प्राची जी का सवाल है, तो पढ़ना तो शुरू किया, वो बात ठीक है, लेकिन वो खास लोग ही पढ़ रहे हैं, आम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इस वजह से समाज में उसको लेकर ना तो कोई अच्छा विचार ना कोई बुरा विचार, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने वाले और लिखने वालों का एक ही समाज है, आम लोग नहीं आ रहे। पीयूष जी पूछ रहे हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी मंटो की रचना सहन में तो बताए, अगर है तो उस रचना पर उस समय क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा मतलब जरूरी नहीं है कि वो मजदूर एकता और दुनिया के मजदूर एक हो वाली बात ही है। अब देखिए, उनकी एक कहानी है लाइसेंस, अगर
राजकमल पेपरबैक्स में जो मंटो नामा छपा है उसके पहले ही पहली कहानी लाइसेंस है। अब लाइसेंस में एक तांगे वाले की कहानी है, वो तांगा वाला जब मर जाता है तो उसकी बीवी चाहती है कि वो तांगा चलवाए, जैसे कि आज भी बहुत सारी औरतें अपने नाम पे टेम्पू चलवाती हैं, ऑटो चलवाती हैं, तो लेकिन उसके लिए नगर पालिका से लेना पड़ता था लाइसेंस। नगर पालिका ने बोला कि तुम, और नगर पालिका में जब वो औरत गई, जो वो विधवा गई, तो उसने नगर पालिका के अधिकारी ने कहा कि तुम तो औरत हो, तुम क्यों नहीं वेश्या बन जाती हो, हम तुमको वेश्या का लाइसेंस दे देते हैं, तांगाओं का क्या चलवाओगे। तो किस तरह से मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसे कोठे पर बैठा दिया जाता है, ये इस कहानी में है। मुझे लगता है पीयूष सिंह इस बात को सुन रहे होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं और मुझे लगता है कि एक चीज है जो कि मंटो ने अपने ऊपर फहश निगारी का जो इल्जाम लगा था उस पर जब उन्होंने एक बहुत ही धारदार और बहुत ही जबरदस्त बयान दिया था, मैं वो बयान पढ़कर इसको खत्म करूंगा। जमाने की जिस दौर में हम इस वक्त गुजर रहे हैं, वो ये वक्त भी हो सकता है, हमारा वक्त भी, माफ कीजिएगा, जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे ना वाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझमें जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां, यानी इस जमाने की बुराइयां, मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं है, मेरे लेखने में कोई नुक्स नहीं है। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, जिस चीज को, जिस बुराई को मेरे नाम से संबद्ध किया जाता है, दरअसल मौजूदा निजाम का नुक्स है, यानी मौजूदा व्यवस्थापकों का, मौजूदा सरकार का नुक्स है ये, जो मेरा नुक्स, जिसको मंटो का नुक्स बोला जाता है। मैं हंगामा पसंद नहीं, मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में हैजान पैदा नहीं करना चाहता, मैं तहजीब और तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी, मैं उसे कपड़ा पहनाने की कोशिश भी नहीं करता इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है, मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, स्याह कलम मतलब काला, लेकिन मैं तख्ते स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, तख्ते स्याह यानी ब्लैक बोर्ड, लेकिन मैं तख्ते स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, यानी ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक चाक से नहीं लिखता, सफेद चाक इस्तेमाल करता हूं कि तख्ते स्याह की स्याही और ज्यादा नुमाया हो जाए। ये मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज है जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सआदत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल हो तो ठीक है। और अगर किसी का जो लाइव देख रहे हैं उनका अगर कोई सवाल है तो हम लोग सवाल लेते हैं। एक मंटो ने खबरदार लिखा है, उसमें वो कहते हैं, बलवाई मकान मालिक को बड़े मुश्किलों से घसीट कर बाहर लाए, कपड़े झाड़कर वो उठ खड़ा हुआ। अब बलवाइयों से कहने लगा, तुम मुझे मार डालो, लेकिन खबरदार जो मेरे रुपए पैसे को हाथ लगाया। तो आखिरी सवाल ये मेरे तरफ से है कि मंटो की कहानियां, मतलब उस एक वर्ग के लिए जो सबसे खास होती है उसकी आर्थिक स्थिति, उसको भी वो बहुत अच्छे से दिखाते हैं, जैसा कि खबरदार में लिखा गया है। खबरदार, लाइसेंस, ये सब वही सब है जी। एक आखिरी सवाल है, वो हम लोग लेते हैं जी।
मंटो की रचना में अगर पीयूष सिंह पूछ रहे हैं मंटो की रचना में अगर अश्लीलता थी तो उदय प्रकाश की कुछ कहानियों के बारे में आप क्या कहेंगे। उदय प्रकाश की किसी कोई ऐसी कहानी मुझे याद नहीं आती है जिस पर अश्लीलता का कोई आरोप लग भी पाए। उन्होंने ज्यादातर राजनीतिक और सामाजिक कहानियां लिखी हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया और अंत में प्रार्थना, वो यह उनकी सबसे चर्चित कहानी है। हाँ, प्राची जी पूछ रही तुम्हारी पसंदीदा मंटो की कहानी कौन सी, ठीक है मैं बताता हूँ, अभी मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप बता रहे थे कि राजनीतिक कहानियां होती हैं ज्यादातर उदय प्रकाश की। उदय प्रकाश की, हाँ। तो जी, तो और अंत में प्रार्थना में एक सच्चे आरएसएस की, आरएसएस के स्वयंसेवक की कहानी जो सच्चा है, ईमानदार है, उसमें दुनिया का कोई खोट नहीं है। और उन्होंने वो क्राफ्ट ऐसा है कि उन्होंने जरा सा भी अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश या गढ़ने की कोशिश नहीं की है कि आरएसएस कैसा संगठन है। और धीरे 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 कहानी इस तरह से बढ़ती है कि वो पूरी कहानी आरएसएस के अगेंस्ट चली जाती है और आज की बीजेपी के खिलाफ चली जाती है। और इसीलिए वहाँ मध्य प्रदेश में कई बार संघ और भाजपा के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने इस पर हंगामा किया, जबकि वो कभी बता नहीं पाए कि ये आरएसएस के खिलाफ कैसे है। लेकिन वो समझ गए, मतलब बात समझ में आती है। तो वो भी एक, हम ये कह सकते हैं कि उदय प्रकाश ने भी एक साहस का काम किया था जो मंटो के उसमें मंटो के संदर्भ में लागू होती है। हाँ, तो प्राची जी का सवाल है कि मंटो की पसंदीदा कहानी, मंटो की पसंदीदा कहानी कई सारी है। एक तो ये है ठंडा गोश्त और टोबा टेक सिंह और खोल दो, तीन कहानियां मुझे बहुत पसंद आती हैं, मैं एकदम अंदर से हिल जाता हूँ। ये एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि आरोप नहीं है पर पीली छतरी वाली लड़की, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है। हाँ, ये हो सकता है। क्या है कि अब हम लोगों की सेंसिबिलिटी भी तो वो 70 साल पुरानी वाली सेंसिबिलिटी नहीं है ना, तो हमें अब लगता नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोग अभी भी विक्टोरियन मोरालिटी वाले हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो लगे। अब जैसे बहुत सारे वेब सीरीज भी ऐसे आ रहे हैं जिन पे आरोप लग सकता है, पर हमारी सेंसिबिलिटीज पहले के हिसाब से जो वो काफी विकसित हुई है, काफी हमारा एक्सपोजर बढ़ा है, तो इसलिए उस तरह का आरोप जैसा मंटो पर लगा और मंटो को पागलखाने पहुंचा दिया गया, वैसा तो उदय प्रकाश की कहानियों के साथ नहीं हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने का, बातचीत करने का। जितने भी दर्शक हम लोगों का ये लाइव देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमेशा हुआ है कि कलम आजाद है और शब्द भी, फिर भी लेखक को एक दायरे में कैद कर दिया जाता है, कई बार मंटो जैसे लोगों को पागल खाने में कैद कर दिया जाता है, और अभी का वक्त रहे तो किसी ना किसी दायरे में कुछ शब्दों के साथ घेर के कैद कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने का। और अगर आपको ये लाइव पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे शेयर कीजिए। हमारा मकसद, हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी और कुछ ऐसी बातचीत लोगों तक पहुंचाए जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के चिल्लम चिल्ली में दब जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लाइक, शेयर, कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।